बर्ड्स के लिए तो जगह है ये, लेकिन उनकी ब्रीडिंग के लिए भी जगह चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है, उनकी ब्रीडिंग के लिए भी जगह चाहिए। छोटा फ्लाई केज है, अभी फ्लैट में कुछ रखा ही नहीं है। ऐसा सकर के रूम ऐसा सकर के भर जाएगा। वीडियो शीडियो बनानी है तो जैसे बना रहा वीडियो फिर वापस बंद कर देते, ऐसा सिस्टम। और यहाँ से जब बर्ड अंदर आते हैं यहाँ से इसका दरवाजा है, बाहर से दरवाजा खुलता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बर्ड्स लवर के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम लगाया हुआ है बर्ड्स के लिए। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ, जो बर्ड लवर है बस वो वीडियो को एंड तक देखे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो बस आपको दिखाता हूँ कैसा सिस्टम है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं दरवाजे के पीछे क्या क्या है। चलो आ जाओ। अच्छा सॉरी, इस तक अभी मैं आपको बताता हूँ इस रूम में क्या क्या लगा हुआ है। पहले तो ये सारा सिस्टम यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम लगा हुआ है, सारे इसमें जितने भी आप सारे सिस्टम देख रहे हो ना, ये सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये आज हम लोग बोलने नहीं देंगे, वीडियो बनाने नहीं देंगे तुम लोग, है ना। इस रूम में ना दुनिया के महंगे तरीन म्यूटिशन है, और इस रूम में एनवायरमेंटल कंट्रोल, बर्ड्स के लिए भी एनवायरमेंटल कंट्रोल। आप सोच सकते हो कैसा रूम है, कितना खर्चा होगा। तो पूरे पाकिस्तान में से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बर्ड रूम होगा। तो बस अभी आहिस्ता करके आपको और यहाँ पे बर्ड जो है ना वो पाकिस्तान के टॉप ब्रीडर्स से एक है। तो मेरी जबान इसलिए पिछल रही है क्योंकि ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो अभी ऐसा से करके आपको हर चीज दिखाता हूँ। ये जो मशीन देख रहे हैं आप ना, ये ह्यूमिडिफायर है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, अगर ये रूम में जो हब्स वगैरह होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेस्ट मशीन है। ओके, तो ये जो केज बने हुए सारे यूरोपियन स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है। ये तुम लोग देख सकते हो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है, ये सारा पूरा एक पूरा बर्ड्स के लिए ना पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। गर्मियों और सर्दियों के लिए सारा इनके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है इस रूम में सब। दाना साफ करने के लिए बाजार से जब दाना लाते हैं ना, उसमें बहुत सारे कचरे वगैरह भी होते हैं, तो ये दाना साफ करने के लिए बेस्ट मशीन है। और ये ज्यादा देख रहे हो ना, कोई तोता मस्ती करो पकड़ के ऐसा डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी, ये केजेस खाली है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। बर्ड्स के लिए तो जगह है ये, लेकिन उनकी ब्रीडिंग के लिए भी जगह चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है, उनकी ब्रीडिंग के लिए भी जगह चाहिए, बेबीज के लिए भी जगह है। इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, मैं आपको दिखाते हैं। तो खूबसूरत अरबी में नंबर भी क्या बात है, ये तुम लोग देख सकते हो। ये उनकी बेबीज के लिए, जब वो ब्रीडिंग करेंगे ना तो यहाँ पे आएंगे, वो ब्रीडिंग करेंगे और यहाँ से इसका दरवाजा खुलेगा, यहाँ से इस पीछे से। अगर हमने बेबीज को देखना हो, हम अगर ये पूरा नहीं खोल सकते हैं, पूरा खोल या फिर बर्ड बाज जाएंगे, उसके लिए भी एक सिस्टम है, जुगाड़ है, टेंशन ही लेनी। इसलिए ये है, ये नीचे से खोल और देखो, उसको वीडियो शीडियो बनानी है तो जैसे बना लो वीडियो फिर वापस बंद कर देते, ऐसा सिस्टम। और यहाँ से जब बर्ड अंदर आते हैं यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसका दरवाज़ा है, ये बाहर से यहाँ से दरवाज़ा खुल जाएगा, यहाँ से इसका दरवाज़ा खुल गया, तुम लोग देख सकते हो मेरी उंगली। तो यार बेहतरीन सिस्टम है, बर्ड्स की बेबी के लिए बेहतरीन सिस्टम है। बर्ड्स के लिए लोगो भी बनाया है, क्या बात है। खैर एक केज ना पूरे केजों में से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इस हिसाब से, क्योंकि एक केज बर्ड्स फ्लाइंग केज है, जो छोटी बेबीज होते हैं ना वो फ्लाई नहीं कर पाते, तो उनको इस बर्ड एक केज में डाला जाता है ताकि वो फ्लाई कर सके, ताकि उनके पर खुल सके। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर इन केजों में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो ब्रीडिंग कर सके। तो इस टाइम टेम्परेचर वगैरह 21.8 डिग्री सेल्सियस, कोई टाइम सर्दी है, आजकल बहुत सर्दी होती है, तो उसके बावजूद भी ये रूम गर्म है, बट के लिए पूरा इंतजाम किया है, ऐसा नहीं बट वो खाली छोड़ देगा। और इसके साथ छोटा फ्लाई केज भी है, छोटा भी है, फिलहाल उधर कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है ना। तुम देख सकते हो छोटा फ्लाई केज भी है, यहाँ पे भी वही सीम है, सारे वही सिस्टम बने हुए। टॉप जो ब्रीडर्स है ना, उनके ब्लड लाइन में से सारे बर्ड्स है, टॉप जो ब्रीडर्स है ना सारे
महंगा तरीन जो ब्रीडर्स है ना उनके सारे ब्लड लाइन में से ये बर्ड्स सारे तुम देख सकते हो। बर्ड लवर है ना जो उनका ख्वाब है कि इस तरह रूम होना चाहिए, आप लोग ने वीडियोस में देखा होगा कि यार बाहर के मुल्क में इस तरह का रूम है, सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में नहीं ये चीज़ें, नहीं क्वेटर में भी अभी इस तरह का सारा सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पे एक मज़े की और भी चीज़ है, यहाँ पे वाईफाई सिस्टम है, मतलब कि लाइट्स वगैरह ना मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे सिस्टम में, खाली टच करो, ये लाइट चली गई, वापस ऑन करो, आगे लाइट, ये आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो और इस रूम में इतने ज़्यादा कैमरेज भी लगे हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कैमरे लगे उठा के ना बर्ड्स पे कड़ी नजर रख सके, कोई मस्ती कर उसको फौरन पकड़ लिया जाए, तो एक्टिव नहीं है जो बीमार है उसको भी फौरन देख लिया जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए सिस्टम और ये मच्छर मारने के लिए, मच्छर बहुत हो गए यार क्विटा में, क्या करें। रूम में ना ये सारे केजेस में डन फेलोज भी है, डन फेलोज में विजुअल भी है, स्प्लिट्स भी है और येलो फेस भी है, पॉपलाइन भी है, पार ब्लू भी है और फिशरीज भी है, ये सारे जो नाम मैंने लिए ना ये सारे महंगे तरीन टॉप ब्रीडर्स के ब्लड लाइन में से सारे ये सारे बर्ड्स हैं। चलो जी अभी इनका सोने का टाइम, सर लाइट ऑफ कर दे, सो जाए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। दुनिया के महंगे तरीन म्यूट्रिशन का सेटअप आई होप आपने देख लिया होगा, इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट मेरी जबान ही स्लिप हो रही थी अंदर, मुझसे वीडियो बनाया नहीं जा रहा था क्योंकि इतना शोर था अंदर, मैं जो सोचता था मैं वापस भूल जाता था, मैं जैसे ही बोलता था वो लोग शुरू हो जाते थे। खैर आई होप आपको पसंद आया होगा, ये सेटअप पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा सेटअप, आई होप आपको पसंद आया होगा, खास ये बर्ड लवर के लिए था मेरा व्लॉग, कोई फिक्स व्लॉग नहीं कि इस टॉपिक के रिलेटेड मैं व्लॉग्स बनाऊँ, मैं रूटीन व्लॉग बनाता हूँ, जो सामने आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट था आज बर्ड लव बर्ड्स का, मैं खुद देख के हैरान हो गया कि इतना बड़ा सेटअप यार ऐसा हो सकता है, मैंने तो वीडियोज़ में देखा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है लेकिन क्वेटा में भी। खैर इनका चैनल भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये सामने आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट, और कमेंट में बताना सेटअप कैसा है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बूम।